हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुनीजा। सो गाइस, टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आज, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी कुछ सीखोगे आप और अपने प्रोजेक्ट में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक काउंटर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, सेकेंड चल रहे हैं और ये स्पेसिफिक, जैसे कि आपने देखा होगा फूड ऑर्डरिंग ऐप के अंदर, आप फूड ऑर्डर करते हो तो 11 मिनट्स लेफ्ट हैं, इतने सेकेंड लेफ्ट हैं, आप ट्रैक कर पाते हो बेसिकली। तो इसका यूज़ आप ले सकते हो क्विज ऐप के अंदर। अगर आपने एक क्विज ऐप बनाई है और वहाँ पे अगर आपको टाइमर लगाना है तो वहाँ इसका आप यूज़ कर सकते हो। और गाइज, ये डायनेमिक काउंटर है, ये स्टैटिक नहीं है। वैसे स्टैटिक भी आप कर सकते हो इसे, बट अगर आप चाहते हो डेटाबेस से वैल्यू आए वो ऑटोमेटिकली काम करे तो आप कैसे करोगे। जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट लॉन्च करते हो तो 10 days 11 days रह गए हैं, और अगर कोई फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे सेल आती है तो इस तरीके से टाइमर चलता है। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, बट ये एक ऐसी फंक्शनलिटी है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी जो लाइब्रेरी है इस चीज़ को अचीव करने की, वो है टाइम सर्कल, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ये सोर्स कोड भी आपको दे दूंगा ताकि आप डाउनलोड करके चला सकें और अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये काउंटर कैसे काम करे, देखिए हमारे पास कितने काउंटर हैं, 2 काउंटर हैं। तो 1 day 14 hours 2 minutes 47 seconds, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितने हैं, 10 minutes 15 seconds, तो ये कम होते जाएंगे, और जैसे कम हो जाएंगे आपके घर पे ऑर्डर आ जाएगा, मतलब आपका जो फूड है वो आपके घर पे पहुँच जाएगा। तो कुछ ऐसा आप देखोगे इसके अंदर। और तो गाइज, इंटरेस्टिंग। और सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो बटन है लाइक का उसे ब्लू करके जाना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है गाइज। तो ये जो वीडियो है किसका पार्ट है, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जो बहुत ही पॉपुलर है। अगर आपको jQuery सीखना है PHP MySQL के साथ, तो हमने 40+ वीडियोस बना रखे हैं, इंक्लूडिंग दिस वीडियो जो उसमें अभी अपलोड होने के बाद ऐड हो जाएगा। तो आपको कुछ भी सीखना है, AJAX सीखना है और jQuery PHP के साथ, तो एक मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए, jQuery एडवांस्ड लाइब्रेरी एंड CSS AJAX ट्यूटोरियल, 41 वीडियोस है, और ये ऐसी वीडियोस है गाइस, अगर आप इसे सीख लेते हो तो आप AJAX jQuery के साथ खेलना सीख जाओगे अलॉन्ग विथ PHP, ठीक है। तो इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, वरना आप प्लेलिस्ट से आके भी सारी की सारी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो और ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं कैलेंडर के साथ, जितनी भी लाइब्रेरीज है उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है वो आप सब कुछ यहाँ सीख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि गाइज आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे है 1 day 14 hour 4 minute और ये कुछ सेकंड जो यहाँ पे मूव हो रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनका कलर चेंज कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन है, आप पढ़ सकते हो, और मस्ट है आपको jQuery इंक्लूड करवाना और टाइम सर्कल की JS को इंक्लूड करवाना और उसकी CSS को इंक्लूड करवाना। अगर आप ये तीनों चीज़ इंक्लूड करवा दोगे तो आप ये अचीव कर लोगे, ठीक है। ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हो, ये जो मूवमेंट देख रहे हो, ये आप इजीली यूज़ कर पाओगे। उसके बाद जस्ट आपको एक फंक्शन कॉल करना है, आपका काम 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि ये बता रहा है कैसे आपने इसे यूज़ करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कोड में, फिर वापस हम इस डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारा एक डेटाबेस है जो कि काउंटडाउन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक डेटाबेस बनाया जो कि काउंटडाउन है, और इसके अंदर क्या है, एक टेबल है ऑर्डर्स, ठीक है। कुछ डेटा है मेरे पास डमी, और यहाँ पे हम पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है उसकी आईडी क्या है, 10100, ऑर्डर की आईडी क्या है, 10100, ठीक है। चलिए, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास कितनी फाइल्स हैं, एक ही फाइल है गाइस, बाकी जो आप ये देख रहे हो फोल्डर ये है टाइम सर्कल, जिसके अंदर तो यहाँ पे टाइम सर्कल की JS है और CSS है। जैसा मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में बताया, ये मस्ट है आपको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवानी होगी। उसके बाद ये एक jQuery की है जो आप देख रहे हो, बाकी ये डेटाबेस की फाइल है, ये मैं आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा। मेन फाइल आपकी index.php है। तो सबसे पहले गाइस, हमने jQuery को इंक्लूड करवा लिया और टाइम सर्कल को इंक्लूड करवा लिया, जो JS है, और CSS को इंक्लूड करवा लिया। इन तीनों फाइल को हमने इंक्लूड करवा लिया है। अब मैं चाहता हूँ डायनेमिक वैल्यू, अब मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट काउंटर है मेरा जो आप देख रहे हो, ये कैसे डायनेमिक वैल्यू के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम है, देखिए ऑर्डर डेट है, रिक्वायर डेट है, शिप डेट है। अब आपकी मर्जी है, आपने जिसके हिसाब से करना हो, आप वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हो, आप डेट के हिसाब से भी कर सकते हो, मैं आपको दोनों बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं डेट के हिसाब से।
तो जो हमारी रिक्वायर्ड डेट है वो क्या है, आज की डेट ही है, नहीं कल की डेट है, 26/9/19। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, सिंपल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया डेटाबेस के साथ, लोकल होस्ट रूट और ये डेटाबेस का नाम, ये पासवर्ड है। हमने एक सिंपल एक कस्टम क्वेरी बनाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, वेयर ऑर्डर जो भी आप दोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टैटिक दे रखा है ऑर्डर नंबर, ठीक है। अगर आपने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है उसमें आप जो वैल्यू दोगे वो आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो, ठीक है, और आपको हर ऑर्डर का टाइम दिख जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने स्टैटिक वैल्यू डाली है। अगर आप एक फॉर्म बनाते हो उसमें एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हो उसमें जो भी ऑर्डर नंबर डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं, जो भी आपने एक फॉर्म बनाया है उसमें आपने एक ऑर्डर नंबर डाला, सबमिट किया, वो वैल्यू यहाँ सेट हो जाएगी। तो आपको हर ऑर्डर का एक टाइम मिल जाएगा, इस तरीके से भी आप अचीव कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक डेमो जरूर दे रहा हूँ, बट इस डेमो से आप सोच काफी कुछ सकते हो, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर नंबर हो गया, क्वेरी चलेगी। अभी ऑर्डर नंबर क्या है, 10100, ये देखिए 10100। इसकी रिक्वायर्ड डेट क्या है, कल की डेट है, 26/9/2019। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, वन डे, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल हमने क्या किया, MySQL यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, MySQL i_query, कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास किया, SQL पास किया, रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, उस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रो पे स्टोर करवा दिया। अब उस रो पे आप किसी भी कॉलम को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, कैसे, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे आपको कॉलम एक्सेस करना है। तो कॉलम आपको कौन सा एक्सेस करना है, जो आप करना चाहो आप सारे कॉलम एक्सेस कर सकते हो। अभी हम कर रहे हैं रिक्वायर्ड डेट। तो हमने क्या किया, सिंपल एक डिव बनाया, डेटा हाइफन, तो यहाँ पे डेटा हाइफन डेट है, उसमें हमने क्या किया, देखिए डेट के लिए, ये ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो डेट के लिए हमने क्या किया, डेट स्पेसिफाई कर दी, कैसे, रो रिक्वायर्ड डेट, और आपने एक आईडी यूज करी काउंटडाउन, ठीक है। इस आईडी को भी यूज करेंगे हम, इसलिए ये आईडी बनाई है। और सिंपल यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा, फंक्शन बनाया है यहाँ पे काउंटडाउन, जो आपकी आईडी थी उसको हैश से एक्सेस होगी। आप चाहे ये लाइन लिख लो, चाहे आप ये लिख लो गाइस, बहुत कॉमन है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, आपकी मर्जी, आप ये लिख लो चाहे आप इस तरीके से कर लो, तो आपकी मर्जी, आप ये लिख लो चाहे आप इसकी जगह ये लाइन लिख लो, वो आपकी मर्जी है। हमने क्या किया, उस काउंटडाउन पे फंक्शन कॉल किया टाइम सर्कल, जैसे ही हम ये काम करेंगे और कुछ नहीं करना बस, बाकी जो नीचे आप कोड देख रहे हो वो दूसरे वाले काउंटर के लिए है। इतना अगर आप काम कर लोगे तो आप ये अचीव कर लोगे, सेकेंड चलते रहेंगे, मिनट्स आर सब आपके चलते रहेंगे, डायनेमिक है ये। तो हमने रिक्वायर्ड डेट को, जो हमारी डेट थी उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो आपको इस JS के अंदर मिलेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो काम नहीं बनेगा। तो आपको डेट देनी है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उस डेट के हिसाब से काउंटर बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंपल इस आईडी पे फंक्शन कॉल कर दिया टाइम सर्कल, ठीक है जी। तो ये था गाइस फर्स्ट काउंटर जो डेट के हिसाब से था। अब ये देखिए 3 मिनट रह गए हैं, 6 सेकंड रह गए हैं, इस तरीके से आपने बनाना हो, 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, या फिर आपकी क्विज ऐप है, 10 मिनट का पेपर है, 15 मिनट का पेपर, आप क्या करेंगे उस तरीके से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। और इस तरीके से देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे हम इसको अनकमेंट करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डॉलर। तो क्या किया, काउंट डाउन टाइम सर्कल एंड फेड आउट, तो ये एंड कर देगा, देखिएगा दिखाता हूँ, देखिए अब एक ही काउंटर बचा है नीचे वाला, ठीक है जी। चलिए इसे करते हैं, यहाँ से हटाते हैं। अब हमने क्या किया गाइस, नीचे देखिए यहाँ पे हमने एक डिव बनाया है, उसमें क्लास दिए एग्जाम्पल और स्टॉप वॉच, और टाइम हमने सेट कर दिया 900। तो जैसा आपने डेट में यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस किया था ना, ऐसी आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो। आप एक सेट करा दो 800, 900, तो वो एक टाइमर बन जाएगा 900, ठीक है, 900 सेकेंड। और उसके बाद आपने 3 बटन बनाए हैं, स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट, ठीक है। जैसा कि आप अभी देख रहे हो, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए इसके लिए हमारे पास ये बटन्स हैं, स्टार्ट करना हो स्टार्ट हो गया, स्टॉप करना हो देखिए रुक गया, रीस्टार्ट करना हो रीस्टार्ट हो गया, तो तीनों काम कर रहे हैं। इस तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, ये है स्टैटिक, डायनेमिकली क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना इस चीज में, आपको क्या करना है, जो आपने यहां पे किया था डेटाबेस से आ जाएगी वैल्यू यहां पे, दैट्स इट। उसके बाद सिंपल क्या किया, यहां पे सिंपल हमने क्या किया, जो यहां पे किया था टाइम सर्कल कॉल किया था, यहां भी करना होगा, किस पे, इस पे करेंगे एग्जांपल स्टॉप वॉच टाइम सर्कल, जिससे आपका क्या हो जाएगा गाइस, ये टाइमर बन जाएगा। तो जितना आप यहां पे दोगे 900, तो 900 सेकंड के हिसाब से यहाँ पे 14 मिनट्स आ जाएंगे, 15 मिनट आ जाएंगे मतलब, ठीक है। मैं बढ़ाता हूँ, देखिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसका आधा कर देता हूँ,
तो 7.5 मिनट आ जाएंगे। देखिए ये देखिए आ गए, इंटरेस्टिंग। तो बस गाइज उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, हर बटन पे कोड किया, स्टार्ट पे क्या किया, ये क्या है अपने आप में, स्टार्ट किया है क्लास, क्लास पे क्लिक इवेंट फंक्शन परफॉर्म किया, एग्जांपल स्टॉप क्या करेंगे, टाइम सर्कल स्टार्ट करेगा, ये स्टॉप करेगा। तो स्टार्ट के लिए स्टार्ट फंक्शन है, स्टॉप के लिए स्टॉप है, रीस्टार्ट के लिए रीस्टार्ट है, दैट्स इट। तो इस तरीके से गाइज आप स्टैटिक भी और डायनेमिक काउंटर अचीव कर सकते हो। अब डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं सोर्स कोड इसका आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो ये लाइब्रेरी है इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पे काफी कुछ है, अलग अलग ऑप्शन है, आपको ये कलर पसंद नहीं है कलर चेंज कर सकते हो आप। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं, उनको आप देखिए, डेज के लिए आप ये कलर कर सकते हो, आवर्स के लिए इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।